हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राम राम सभी भाइयों को। तो भाई, आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका, जो कि आप अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर आप 20,000 रुपये तक जीत सकते हैं। भाई, एक गिव अवे आने वाला है, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अगर आप सबकी साथ रहा तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, यानी 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर हम गिव अवे करने वाले हैं एक अपने सब्सक्राइबर को, किसी भी एक सब्सक्राइबर को 20,000 रुपये तक का फ़ोन गिव अवे करेंगे। तो जो भी हमारे भाई हमारी हर वीडियो देखते हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि अगर आप वीडियो पूरी देखते होंगे, इन्हीं किसी वीडियो में से मैं जब हमारे 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो 20,000 रुपये का फ़ोन गिव अवे करूँगा। तो भाई, ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहें एंड वीडियो पर कमेंट और लाइक ज़रूर करें, जिससे आप इस फ़ोन को जीत सकें, यानी 20,000 रुपये का जो हम फ़ोन गिव अवे करने वाले हैं उसको आप जीत सकें। 30K सब्सक्राइबर होने पर हम एक विनर अनाउंस करेंगे, यानी कि जिस दिन हमारे 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन के बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम अपना विनर अनाउंस करेंगे। जो भाई हमारे क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन करेंगे उसका सही जवाब देगा, उसको मिलेगा एक फ़ोन, ब्रांड न्यू फ़ोन मिलेगा, या हम क्या करेंगे उनको ट्रांसफ़र कर देंगे 20,000 रुपये, जिससे वो अपना एक ब्रांड न्यू फ़ोन परचेज कर कर हमारे साथ हमारी वीडियो में दिखाई देंगे आपको। तो भाई, इसी तरीके से मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इन्हीं वीडियो में से किसी वीडियो में से एक क्वेश्चन होगा जो कि आपको 20,000 रुपये तक का एक फ़ोन या 20,000 रुपये कैश आपको जितवा सकता है। चलिए आज शुरुआत करते हैं भाई वीडियो की। हम आज वीडियो बनाने वाले हैं भाई, हमारे जो क्लिच वगैरह है ना, यानी जो नए ड्राइवर हैं, अगर वो अपनी गाड़ी का क्लिच छोड़ते हैं तो क्लिच छोड़ने में उनको आती है दिक्कत, गाड़ी हो जाती है बंद। किस तरीके से क्लिच छोड़े और जो कि गाड़ी बंद भी ना हो और कंटिन्यू चलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी चीज़ की, मिलते हैं आपसे क्लिच के पास और आगे का सीन दिखाते हुए कि किस तरीके से आगे गाड़ी बढ़ती है अगर हम क्लिच धीरे धीरे रिमूव करते हैं, हमारी गाड़ी बंद ना हो, आगे बढ़ जाए, वो चीज़ हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। भाई, देखते रहिए वीडियो पूरी एंड तक। सो गाइज, हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट और अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई किस तरीके से। देखो, मैंने अपनी पूरी क्लिच प्रेस की हुई है। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट गियर डाल दिया है मैंने अब, ठीक है। क्लिच मेरी पूरी प्रेस है, आप दूसरे कैमरे से आप देख रहे हैं कि मैंने क्लिच को पूरा प्रेस कर रखा है एंड एक्सीलेटर पे हल्का सा पैर रखा हुआ है। एंड अब करेंगे हम अपने हैंड ब्रेक डाउन, और हैंड ब्रेक डाउन करेंगे और गाड़ी अभी पीछे को जाएगी क्योंकि थोड़ा सा ढलान सरफेस पर खड़ी है। तो अभी जो हम ढलान सरफेस पे भी हमारी गाड़ी खड़ी है तो क्लिच को इतना सा रिमूव करेंगे धीरे 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 धीरे। देखो, अब मैं अपनी गाड़ी को धीरे धीरे वो रिमूव कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी देखना आगे बढ़ रही है। ये देखो, इस गाड़ी के उससे देखो, ये देखो मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये देखो, मैंने अभी इतना क्लिच प्रेस किया है और अभी मैं स्लो कर रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं पार्किंग का एरिया है। तो इतना क्लिच प्रेस करने के बाद ही मैं धीरे धीरे क्लिच दबा लिया है मैंने पूरा। मैं एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, देखो एक्सीलेटर भी नहीं दे रहा हूँ ना, जब भी गाड़ी आगे बढ़ रही है अपने आप। ये देखो, एक्सीलेटर बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि भाई अभी मेरी गाड़ी पेट्रोल पे है तो पेट्रोल पे इसमें एक्सीलेटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही इतने हद तक चलती रहती है। देखिए अभी देखो, आगे इतना जो आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ी ढलान सी है, और इस पर भी मैं अगर एक्सीलेटर प्रेस नहीं करूँगा, इतनी क्लिच छोड़ूंगा ना, तो भी मेरी गाड़ी चली जाएगी। अब मैंने पूरी क्लिच दबा रखी है, अब देखो मैं इतनी क्लिच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे छोड़ता हूँ। अरे, ये एसी भी मैंने चला रखा है, जब ये कंडीशन है मेरे साथ में, देखो इस पर अपने आप चढ़ जाएगी इस तरीके से। मैंने पूरी क्लिच छोड़ी हुई है एंड ये ढलान के एरिए पे अपने आप इतने RPM पे धीरे धीरे चढ़ रही है। देखिए, कभी भी हमारी गाड़ी ऐसे बंद नहीं होती है, अगर आप क्लिच क्लिच छोड़ेंगे तो भी बंद नहीं होगी। अब आगे आप देखो, एक ब्रेकर आ रहा है, तो मैं ब्रेकर पे किस तरीके से, ये ब्रेकर है तो अब मैंने अपनी क्लिच को पूरा दबा लिया है, अब ब्रेक दबाए हैं हल्के से एंड ये मेरी गाड़ी बैक हो गई, ठीक है, मैंने पूरी रोक दिया। अब देखो, अब मैं निकालूंगा इस पे से ऐसे करके इतनी क्लिच छोड़कर, और अब भी एक्सीलेटर प्रेस नहीं किया हुआ मैंने, धीरे धीरे भाई देखो अपने आप चल जाती है। अगर आप एक्सीलेटर भी प्रेस ना करें तो गाड़ी क्लिच के बेस पे इतनी चली जाती है कि आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। अब देखो,
सो गाइज आपने देखा गाड़ी बहुत इजीली, अगर हम वो मेरा फ़ोन गिर गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ये देखने में अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं और आगे इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा एक, कि भाई बड़ी वीडियो चाहिए, कैसे कैसे छोड़नी है, कैसे ट्रैफिक में चलानी है, तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। अभी जो वीडियो थी भाई, ये फ़ोन गिर गया था थोड़ा सा तो इसलिए हो गया।